हेलो फ्रेंड्स, आप सब में से बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं जिस बोर्ड पर पेंटिंग करता हूँ वो पेंटिंग बोर्ड मैं कैसे बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और वो भी बंगाली में है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग बंगाली भाषा नहीं समझते, तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ये जो वीडियो है ये आप हिंदी बनाइए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो हिंदी बना रहा हूँ और वो आज मैं दिखाऊँगा कि कैसे आप पेंटिंग बोर्ड बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में और कुछ बेसिक सी चीज़ें इस्तेमाल करके। तो इसीलिए आज ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो इसलिए आप अगर ऐसे पेंटिंग बोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेंटिंग बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे करके एक लकड़ी का एक फ्रेम बनाना होगा। और ये फ्रेम कैसे बनाते हैं ये शायद आप सब लोग जानते होंगे कि कैसे ये फ्रेम को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे एक फ्रेम बनाना होगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे मैंने एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया है कुछ इस तरह सा, इसके साइज़ के अनुसार, ठीक है, इसके साइज़ के अनुसार मैंने ऐसे एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया है। अब इसको मैंने क्या करूँगा, गीली मिट्टी के अंदर इसको भिगो के मैं ये जो फ्रेम है इसके अंदर ये चिपक दूँगा, यानी कि लगा दूँगा, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते कि मैंने पहले से ये जो पेंटिंग्स मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो अब मैं इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि ये को कैसे रीयूज़ करते हैं, यानी कि ये जो फ्रेम है आप देख रहे हैं, इस फ्रेम के अंदर जो ये जो मैंने कपड़ा पहले से चिपक हुआ है, तो इसको मैंने इस फ्रेम से निकालूंगा और इसको दोबारा से मैं रीयूज़ करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या करना होगा, इसको ये जो कपड़ा है इसको यहीं से निकालना होगा, ठीक है। तो मैं ये जो कपड़ा है ये देखिए, मैं इससे ऐसे करके मैं इस कपड़े को मैंने निकाल लूँगा, ये देखिए, ओके। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से इस पेंटिंग्स को इस लकड़ी के अंदर से देखिए निकाल लेता हूँ, ये देखिए। अब तो ये जो है लकड़ियाँ अलग हो गई है और ये अलग सा है। फ्रेंड्स ऐसे करके एक एक पेंटिंग से सारा जो कपड़ा है मैंने इस तरह से देखिए मैं निकाल लेता हूँ, ओके। ये देखिए, मैंने ऐसे करके जो पूरा जो कपड़ा है मैंने जिस तरह से मैंने इसके ऊपर छिपा कर लगाया था, मैंने इसी तरह से मैंने दोबारा से इसको निकाल भी लेता हूँ, ओके। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो पेंटिंग्स है, तो इस पेंटिंग को अभी मेरे को नष्ट कर देना होगा क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से ये सारे पेंटिंग्स मैंने की थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो कपड़ा है इसको मैंने रीयूज़ करूँगा। तो इसको क्या करूँगा, देखिए ये जो कपड़ा है और देखिए इस बाल्टी के अंदर पानी है, ठीक है। तो मैं ये पेंटिंग को ऐसे करके नष्ट कर दूँगा, ये देखिए नष्ट कर देता हूँ और इसको इस पानी में भिगो देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कपड़ा है ये फिर से कपड़ा बन जाएगा, तो मैं इस कपड़े को दोबारा से रीयूज़ कर पाऊँगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये जो सारा का सारा पेंटिंग्स से जो मैंने बहुत ही मेहनत से किया हुआ है ये सारी पेंटिंग्स मैंने इस पानी के अंदर में डुबा देती हूँ, ठीक है, और ये कपड़ा फिर से गीला हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये जो कपड़ा है मैंने पूरा का पूरा धो लिया है और देखिए ये जो कपड़ा है पूरा पहले जैसा हो गया है, ये देखिए बिल्कुल भी फ्रेश हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आपके घर में जो मोटा वाला थोड़ा कपड़ा होता है जैसे कि बेड कवर, तो बेड कवर इसमें सबसे अच्छा होता है, वो थोड़ा मोटा वाला आता है, तो आप वो बेड कवर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो कपड़ा है आप देख रहे हैं ये भी हमारा वो एक बेड कवर ही था बहुत पुराना, तो बेड कवर थोड़ा मोटा होता है, तो इसलिए आप ये दोबारा से बार बार से आपको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं ये जो कपड़ा है इसको जो गीली मिट्टी है उसके अंदर में इसको भिगाऊंगा। तो चलिए पहले गीली मिट्टी तैयार कर लेते हैं आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप मिट्टी को देख रहे हैं ये देखिए पूरा एकदम अच्छा एक मिट्टी है। तो इस मिट्टी को मैंने ये जो माग है यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसे करके इस मिट्टी को पानी के अंदर अच्छी तरह से कुचला लिया है, देखिए कुछ ऐसा बन गया है ये। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब यहाँ पर जो कपड़ा मैंने लिया था इस कपड़े को मैं इस मिट्टी के अंदर में भिगाऊंगा, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको भिगा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए पूरा ऐसे करके इसको भिगाना पड़ेगा और भिगा के वो जो लकड़ी का जो फ्रेम है उसमें अच्छी तरह से इसको चिपक देना होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरा ऐसे करके मैंने इसको भिगा लिया है, अच्छा अब देखिए मैं इस फ्रेम में चिपक रहा हूँ,
ठीक है करेक्ट। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे ये जो लकड़ी का फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम में ये जो कपड़ा है गीली मिट्टी का, इसको कुछ इस तरह से अच्छी तरह से इसको चिपक देना होगा। ये देखिए, तो देखिए मैं कैसे इसको चिपक रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। बस ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के जरिए ये जो कपड़ा है इसमें आसानी से चिपक जाता है। इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी। ये देखिए, ओके, तो अब ये देखिए, ये देखिए पूरा ये अच्छी तरह से चिपक गया है, ठीक है। तो अब हल्का हल्का से अपने हाथों से इसको क्लीन कर देना है। ये देखिए हल्का से इसको क्लीन कर देना है, तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा हो गया। अब जब ये सूख जाएंगे ना, तो बिल्कुल इसमें चिपक जाएंगे ये कपड़ा, बिल्कुल भी और नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पर मैंने ये जो कपड़ा है मैंने इस फ्रेम के ऊपर अच्छी तरह से चिपक दिया है। अभी इस फ्रेम को धूप में अच्छी तरह से सुखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा धूप है, तो इस धूप में मैंने ये क्या करूँगा, ये जो फ्रेम है मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए दे देता हूँ। अब जब धूप में ये जब सूख जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी 2 घंटे बाद देखिए ये जो बोर्ड है पूरा बिल्कुल सूख गया है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसके ऊपर वाइट प्राइमर लगाना। सो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पर मैंने वाइट कलर ले लिया है, तो ये है खड़ी मिट्टी। खड़ी मिट्टी मतलब वो कुछ ऐसा दिखता है, तो ऐसा होता है खड़ी मिट्टी। इसको मैंने पानी के अंदर भिगाया था, भिगा के देखिए ये जो बड़ा सा बाल्टी है इसके अंदर मैंने इसको भिगाया था। भिगाने के बाद देखिए ऐसा नरम हो गया है। तो अभी ये जो खड़ी मिट्टी इसको यहाँ पे लेकर मैंने अच्छी तरह से कुचला लिया है, अभी ये जो है ऐसा हो गया है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, ब्रश से, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ब्रश ले लिया है, तो ऐसे करके ब्रश से मैंने वो जो पेंटिंग जो बोर्ड मैंने बनाया है उसके ऊपर मैंने ऐसे करके दे देंगे। तो चलिए देखते कैसे इसको देना होता है। सो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये जो पेंटिंग बोर्ड है इसमें पूरा का पूरा वाइट कलर दे दिया है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये दिया है, करीब 5 मिनट हो गया है, और इतनी सही देर में ही देखिए पूरा का पूरा सूख चुका है, मतलब धूप बहुत तेज़ है। तो ये जो खड़ी मिट्टी है इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जब एक कपड़े को धोएंगे तो बहुत ही आसानी से ये उठ जाता है, लेकिन आप इसके बदले में आप अगर कोई प्राइमर, वाइट प्राइमर या फिर दूसरा कोई भी कलर यूज़ करते हो तो वो आसानी से नहीं उठता है। तो इसलिए मैं, जैसे कि अब मैंने आपको पहले बताया कि मैं कपड़े को बार बार रीयूज़ करके मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये खड़ी मिट्टी ही देता हूँ। लेकिन अगर आपके बाज़ार में ये खड़ी मिट्टी ना मिले तो आपको कोई भी वाइट प्राइमर से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये जो पूरा का पूरा पेंटिंग बोर्ड है ये पूरा का पूरा
पेंटिंग करने के लिए रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पेंटिंग बोर्ड है ये पूरा का पूरा पेंटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप ये पेंटिंग बोर्ड के ऊपर आप ऐसा भी पेंटिंग कर सकते हैं। ये जो आप दीपिका पादुकोण का पेंटिंग देख रहे हैं ये भी कुछ ऐसा एक पेंटिंग बोर्ड के ऊपर बनी। तो ये जो पेंटिंग बोर्ड है इसको बनाने में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपया का खर्च पड़ा है। तो इतनी कम खर्चे में ऐसा शानदार एक पेंटिंग बोर्ड बनाना मतलब बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग पेंटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उनके लिए ऐसा एक पेंटिंग बोर्ड बनाना, तो इसमें वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से पेंटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी ऐसे पेंटिंग बोर्ड बनाता हूँ और बहुत सारा प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैंने ऐसे ही पेंटिंग सीखा है। तो मेरा रिकमेंड है जो लोग पेंटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप इस तरह से पेंटिंग बोर्ड बना के आप पेंटिंग सीख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही खर्चा कमेगा और आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रही हमारे आज की वीडियो जिसमें मैंने दिखाया कि आप कैसे बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर में पेंटिंग के लिए एक बोर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रा से भी नॉलेजेबल ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे पेंटिंग बोर्ड बनाना चाहते हैं अपने घर में खर्च कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।